रवि, एक एक स्पेस और जिसकी बात आपने भी पहले कही थी, वो है आईटी। हमने देखा जिस तरह से रुपया कमजोर होता जा रहा है लगातार, आईटी के लिए तो यहाँ बेनिफिट ही दिख रहा है। और आज हम देख रहे थे TCS, विप्रो, इंफोसिस सब जो है वो 1.5 से 2%, 3% ऊपर बंद हुए हैं। इस समय कैसे अप्रोच करना चाहिए आईटी को, बड़े प्लेयर्स के साथ रहे या मिड कैप जहां पर रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा मिल सकता है उनके साथ जाएं? बहुत अच्छी बात कही। मैं अगर स्वामी जी एक सेकंड आपका लेना चाहूंगा, मैं रुपी का भी व्यू यहाँ पर लोगों को शेयर करता हूँ। देखिए, इस समय रुपी में जो इक्विटी मार्केट में जितनी हलचल चल रही है वो रुपी में थोड़ी कम देखने को मिल रही है, लेकिन रुपी अभी एक डाउन ट्रेंड की तरफ है, यानी कि आपको वीकनेस की तरफ दिखाई दे रहा है और 80 के लेवल शायद मेरे ख्याल से आने वाले महीनों में अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ है, $600 बिलियन का FX रिजर्व है। अगर RBI कुछ स्टेप लेती है तो ये सीरीज और थोड़ी लंबी होगी, मतलब 6 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने की तरफ जाएंगे, लेकिन 80 के लेवल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, जो आपको 78 30 के लेवल अभी दिख रहे हैं। तो आगे का सेंटिमेंट यहाँ पर वीक है। अब इसका आईटी सेक्टर में फायदा, अब देखिए मिड कैप में करेक्शन भी हो चुका है, लार्ज कैप में भी बराबर करेक्शन आपको देखने को मिला है। तो स्वामी जी, लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी और प्रोबेबिलिटी थोड़ी स्ट्रांग है, और सबसे बड़ी बात है कि बड़े स्टॉक के साथ चलते हैं तो आपको फायदा भी ज्यादा मिलेगा और रिस्क कम होगा इस समय के जो सिनेरियो बनते जा रहे हैं। तो अपने पोर्टफोलियो का अगर आप ₹100 का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और मैंने पहले बताया कि ₹30 इस समय लगाने हैं, तो आपका सेगमेंट में कम से कम 25 से 30% उस सेगमेंट का आपका आईटी सेक्टर में होना चाहिए। दिग्गज स्टॉक में रहिए, जब फास्ट ट्रेन चलेगी तो आप दिग्गज स्टॉक में रहेंगे, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। दिग्गज स्टॉक में आप TCS है, विप्रो है, इंफोसिस है और टेक महिंद्रा, ये पहली चॉइस है जिनमें कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको अट्रैक्शन लेवल पे मिल रहे हैं और इनमें काफी अच्छा एक करेक्शन भी देखने को मिल चुका है, तो मुझे लगता है कि आपके रिटर्न्स जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगर आपको आईटी में इंटरेस्ट है तो दिग्गजों के साथ ही रहिए। TCS, इंफोसिस, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स यहाँ पर बताए हैं रवि ने, यहाँ पर आप नजरिया रखिए, लंबा नजरिया रखिए, आपके रिटर्न्स और बेहतर होने की संभावना है।